नमस्कार विद्यार्थियों, आर्थिक व्यवसायों में अध्ययन कर रहे थे, उसमें प्राथमिक व्यवसायों में हमने प्रमुख से देखा था आखेट किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद पशुचारण का कार्य है, उनमें से विशेषतः हमने जोर दिया था कि चलवसी पशुचारण है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इन प्राथमिक व्यवसायों में आगे हम मत्स्य पालन प्लस वन उत्पाद का संग्रहण कहाँ कहाँ पर किया जाता है, उन तथ्यों के बारे में हम विशेषतः अध्ययन करते हैं। जितना भी प्राथमिक व्यवसाय है वो मानव अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। जैसी मानव की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती वो कुछ आगे अपना वाणिज्यिक रूप से आर्थिक लाभ के लिए कुछ व्यवसाय करना शुरू कर देता है। तो प्राथमिक व्यवसायों में हम अगला पढ़ते हैं वस्तु संग्रहण या एकत्रीकरण। वस्तु संग्रहण में मनुष्य मानव है सामान्यतः वनों से संग्रहण से था। प्राचीन रोम से मानव अपन जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं का संग्रहण करता था। वर्तमान में कुछ वाणिज्यिक रूप से भी कॉमर्शियल रूप से भी इस तरह के वस्तुओं का संग्रहण किया जाने लगा है। कौन कौन से उत्पाद है, जैसे भोजन के लिए जड़े फूल गिरियाँ बेजियाँ जंगली शहद आदि है एकत्रित करता है। वस्त्रों के लिए वृक्षों की छाल और पत्तियाँ घास आदि है वो एकत्रित करता है। आवास बनाने के लिए बांस वकड़ों वृक्षों की टहनियाँ पत्तियाँ लकड़ियाँ घासें आदि एकत्रित करता है। ईंधन के पदार्थ के रूप में लकड़ियों का संग्रहण करता है। कुछ औषधीय जड़ी बूटियाँ भी है वो एकत्रित करता है। वाणिज्यिक रूप से मानव औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पदार्थों का उपयोग करता है, संग्रहण करता है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं वनों उत्पादों की, वहाँ से सबसे ज़्यादा संग्रहण का कार्य किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जिनको सेलवा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इनका वाणिज्यिक महत्व बहुत अधिक है। तो वनों उत्पाद संग्रहण से जैसे उदाहरण के तौर पर सिनकोन वृक्ष की छाल से कुनैन चमड़ा कमाने के पदार्थ कौर्क आदि प्राप्त किए जाते हैं। पत्तियों से पेय पदार्थ है, औषधि प्रसाधन के संसाधन सामग्री है। रेशे छप्पर बनाने के लिए वस्त्र गिरिया से भोजन बटन आदि तेल बनाने के लिए ये काम में बहुत सारे पदार्थ हैं। आर्थिक महत्व के कुछ नीचे नाम दे रखे हैं। चिकल पदार्थ है जो एक चिगम बनाने के काम आता है, ये जपोटा नाम के दूध का वृक्ष होता है। जंगली रबड़ और ब्लाटा एक रबड़ का उत्पाद है और बहुपयोगी है जो गेंदों के कवर बनाने के काम में आता है। और ब्लाटा अधिकांशतः दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों से प्राप्त होता है। गिरिया नट्स जिसे कहते हैं ये भोजन के काम में आती है सबसे ज़्यादा, और एक इत्र बनाने के काम में भी लिया जाता है। ब्राज़ील बेसिन के वनों से रबड़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है वो आइवरी गिरिया है। पनामा के कैरिबियन तट से इक्वाडोर तक रहने वाली जनजातियाँ है वो एकत्रित करती है ताड़ की गिरियाँ। और इस तरह से नाइजीरिया कांगो पश्चिमी अफ्रीका का जो देश घाना है, इंडोनेशिया मलेशिया आदि ताड़ के वृक्ष है वहाँ पर एकत्रित की जाती है। यह वन उत्पाद संग्रहण का क्षेत्र है मुख्यतः, कहाँ कहाँ पर वन उत्पाद संग्रहण किया जाता है जो वाणिज्यिक रूप से पूरे। इसमें एक माइनर एरिया है, दूसरा मेजर एरिया है। जो डार्क शेड में है ये मेजर एरिया, बाकी उसके आसपास का क्षेत्र माइनर एरिया है। रेसे औषधि चमड़ा कमाने के पदार्थ है, रेजिन या तारपीन है, ये मुख्यतः उत्पाद के लिए संग्रहण के लिए किया जाता है। ये कोई मनोउत्पाद बहुत बड़ा अपने आप पे टॉपिक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आता है मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, जो वाणिज्यिक रूप से भी मत्स्य उत्पादन किया जाता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं आता प्राथमिक व्यवसाय में मानव अपने जीवन उपयोग के लिए काम करता, परंतु ये जीवन निर्वाह के साथ साथ वाणिज्य के रूप से भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में मत्स्य उत्पादन के चार बड़े क्षेत्र हैं, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक ये चार प्रमुख बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर मत्स्य उत्पादन का कार्य उत्तरी गोलार्ध में किया जाता है। सबसे विकसित जो वाणिज्यिक व्यवसाय है मत्स्य उत्पादन है वो नॉर्वे में काफ़ी बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, और वहाँ की जनसंख्या का कुल 2% भाग है वहाँ पर।
इस काम में लगी हुई है और 4% राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर एलुसियन द्वीप से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया तक ये भाग आता है। विश्व का लगभग 1/3 भाग यहाँ पर है, जिसमें रूस, कोरिया, जापान, चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया है। ये मत्स्य उत्पादन का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ चौड़े निबंग तट है और क्यूरोसीवा और आयोसीवा दोनों ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण यहाँ पर मछली उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल जलवायु पाई जाती है और इसीलिए यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सामन मछली का उत्पादन होता है। इसके बाद हेरिंग है, टूना, मैकेरेल, साइडाइन, ये मछलियाँ यहाँ पर मुख्यतः उत्पादित की जाती है। जापान के टूना, सार्डाइन, आयस्टर मछली है वो बंद डिब्बों में बंद करके अन्य क्षेत्रों में निर्यात की जाती हैं। तो चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में सघन मत्स्य उत्पादन होता है, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती है। दूसरा आता है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये ग्रीनलैंड से लेकर केप हेटरस तक, कहने का मतलब है दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका तक पाया जाता है। इस प्रदेश में अनेक नदियां हैं वो सागरों के आकर मिलती हैं और उछले अपतटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर न्यू इंग्लैंड, पूर्वी कनाडा के नानुकेंट द्वीप से लेकर न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक और सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक या मत्स्य बैंक है, जिसको ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिए विद्यार्थी, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड के निकट है वो ग्रांड बैंक पाया जाता है, जहाँ पर यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के लोग हैं बहुत अधिक मात्रा में मत्स्य उत्पादन का कार्य करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से मछलियों में सबसे ज़्यादा आयस्टर मछली रोड वे लॉन्ग द्वीप के मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना के पास आयस्टर मछली के बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। इसके अलावा न्यू इंग्लैंड और मध्य अटलांटिक तटों के सारे पंख, सीपियाँ आदि पाई जाती हैं। अगला तीसरा आता है, यह है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका अटलांटिक में, जिसको ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ग्रांड बैंक है। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, इसमें मुख्य आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन के मत्स्य उत्पादन द्वीप आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और पुर्तगाल के जो मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह का मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर उत्तरी समुद्र और विस्तृत निबंग तट पाए जाते हैं, जहाँ ठंडा जल और ठंडी और गर्म जलधाराएँ जहाँ पर आके मिलती हैं, मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पर किया जाता है। यहाँ की प्रमुख मछलियों में सार्डाइन, मैकेरल, पिलकार, टूना प्रमुख किस्में हैं, जहाँ पर अधिक तक मात्रा में उत्पादन होता है, परंतु यहाँ पर स्थानीय खपत अधिक है, इसलिए इनका निर्यात कम मात्रा में किया जाता है। उसके बाद अगला आता है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अलास्का से लेकर दक्षिण में कैलिफोर्निया तक। यहाँ पर टूना, हेलीवेट, सार्डाइन मछलियाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कोलंबिया और फ्रेजर नदियों के मुहाने अलास्का की ब्रिस्टल खाड़ी में समान प्रमुख मछलियाँ पाई जाती हैं। हेलीवेट, हेरिंग प्रशांत महासागर में ठंडे जल में प्राप्त होती है और कैलिफोर्निया के दक्षिण में टूना मछलियाँ सर्वाधिक प्राप्त होती हैं। यहाँ से अधिकांश इन मछलियों का, सामान मछली का अधिक मात्रा में डिब्बाबंदी करके और कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, कोलंबिया राज्यों में डिब्बाबंदी मांस के रूप तैयार करके विश्व के अन्य क्षेत्रों में निर्यात कर दिया जाता है। तो इस तरह से मत्स्य उत्पादन है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे प्रशांत महासागर के, दो क्षेत्र, दो अटलांटिक महासागर के क्षेत्र। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे भारत का तट है, उत्तरी पूर्वी तट है, उत्तरी तट पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, उसके बाद अफ्रीका का कुछ तट है और म्यांमार के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सारे कुछ मछलियों का उत्पादन किया जाता है, मत्स्य उत्पादन किया जाता है, परंतु वो बड़े क्षेत्र है, गौण क्षेत्रों में आते हैं। सबसे बड़े क्षेत्र ये चार ही है, इसलिए ये ध्यान रखिए विद्यार्थी, बड़ा प्रश्न इस तरह का बनता है कि प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से, उनके नाम लिखिए और मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। ये एक बड़ा प्रश्न बनता है, जो विद्यार्थी विशेष तौर से इसको अच्छे से पढ़ के और इसको तैयार